दोस्तों आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसको हम मैं आपको कल ही बताने वाला था दोस्तों। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। और आपको बता दें कि आप कल मैं एक कार्यक्रम में शामिल था, इस वजह से कल आपको जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों कोई भी जानकारी देने से पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप हिंदुस्तानी हैं तो दोस्तों आपको आज गर्व होगा, क्योंकि कल यानी कि 27 मार्च 2019 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। मिशन शक्ति की सफलता हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों एलियो सैटेलाइट क्या होते हैं? एलियो सैटेलाइट को हमने जो डिस्ट्रॉय किया है, मार गिराया है, उससे भारत को कौन सी सफलता हासिल हुई है? और दोस्तों हमारे जो चौथी महाशक्ति हम बन गए हैं, उसके लिए कंप्लीट जानकारी है कि एलियो क्या होता है, क्या वर्क करता है, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है। हम आपके लिए ऑथेंटिक सारी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में कई चीजें पूछा थी स्पेस रिलेटेड, हम और भी आपको जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि एलियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है दोस्तों कि जो आपका सबसे निचला ऑर्बिट है इन सभी ऑर्बिटों में, उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बाद आपका जीईओ आता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी आता है। दोनों में क्या फर्क है पहले तो बता रहे हैं। पहली बात दोस्तों, जो एलियो है लो अर्थ ऑर्बिट में दोस्तों जो सेटेलाइट घूमते हैं, वो सेटेलाइट देशों द्वारा अपने अपने देशों द्वारा छोड़े जाते हैं, और उनसे मौसम की जानकारी, फोन से कनेक्टिविटी और जीपीएस वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अब दोस्तों ये जो जियो सैटेलाइट की जो रेंज है, ये 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। अब जो हमने कल अचीवमेंट किया है, वो 300 किलोमीटर की दूरी पर जो सैटेलाइट होते हैं उन तक को हम मार गिराने की क्षमता रखते हैं अपनी मिसाइल पावर से। दोस्तों इससे हमारे जो जो पिछले तीन देश थे, अमेरिका, रसिया और चाइना, उसके बाद चौथी महाशक्ति बन गए हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हम दुश्मनों के लिए डिफेंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका साफ साफ ये मतलब नहीं है कि हम किसी अन्य देशों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है। और हम आपको बता दें कि इससे हम राष्ट्रीय और हमारी सैन्य सुरक्षा में बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। तो दोस्तों जो एलियो सैटेलाइट होते हैं वो तो फास्ट ग्रो करते हैं, फास्ट मतलब जो पृथ्वी चक्कर लगाती है 24 घंटे में, उससे भी फास्ट ग्रो कर फास्ट घूमते हैं, यानी कि उससे तेज भागते हैं। इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, कई की तो 30,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें जियो सैटेलाइट की, तो जियो सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिसमें कि पृथ्वी के साथ यानी 24 घंटे में जो चक्कर लगाया जाता है पृथ्वी के साथ, वो भी 24 घंटे में ही अपना चक्कर पूरा करते हैं। तो दोस्तों एलियो जो है सबसे नीचे होता है, और इसको मारने के बाद दोस्तों हमारी पावर जो है काफी बढ़ गई है। तो दोस्तों इसको अन्यथा ना लिया जाए अन्य देशों के द्वारा, लेकिन हम आपको बता दें कि 27 मार्च 2019 को आपको याद रखना है। एलियो सैटेलाइट क्या होते हैं वो याद रखना है, एलियो सैटेलाइट किस पर्पज से यूज हुए वो याद रखना है। हो सकता है आपसे काफी चीजें पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आगे भी आपको हम रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए।